गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मैं लॉजिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे ट्रूथ वैल्यूज, सारे सेंटेंस, कौन से सेंटेंस है, कौन से लॉजिकल सेंटेंस है, कौन से सेंटेंसेस नहीं है, कौन से सच स्टेटमेंट है ट्रू, कौन से फॉल्स, एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज, जैसे एंड जिसका सिंबल था ये और जिसका सिंबल था ये, इम्प्लीकेशन जिसका सिंबल था ये, कंडीशनल, ठीक है, बाई कंडीशनल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। लास्ट वीडियो में देखोगे तो हम लोग ने इसको सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, वही करने वाले हैं। फिर से देखो कैसे सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमारा कनेक्टिव हो गया, राइट, इसके लेफ्ट साइड पी, 4 इज ऑड, इस साइड क्यू, 1 इज प्राइम, राइट। तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पी और क्यू, करेक्ट कि नहीं। अब देखो ध्यान से, पी 4 इज ऑड, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, 4 इज इवन नंबर ना, तो फॉल्स, और 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये भी फॉल्स, 0 प्लस 0 फाइनल आंसर फॉल्स, और मतलब याद है ना, और मतलब होता है प्लस, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन, धीरे धीरे क्लियर होगा सारा सम। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, कहाँ दिख रहा है कनेक्टिव, कहाँ दिख रहा है बोलो तो, और एंड बट ये सभी कनेक्टिव होता है, ये रहा एंड हमारा कनेक्टिविटी। लेफ्ट साइड पी, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सेकंड क्यू, इस साइड वाला, 46 इज ए प्राइम नंबर, तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, बीच में कनेक्टिव एंड है, पी एंड क्यू। तो देखो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना, तो ट्रू, एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है क्या ये, नहीं ना, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड होता है बोलता हूँ, 2 से डिवाइड होता है, 46 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, फिर काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स, और मतलब मैंने क्या बोला था, प्लस, ट्रू मतलब होता है 0, फॉल्स मतलब होता है ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0, ठीक है, और मतलब प्लस, एंड मतलब इनटू, करेक्ट। तो देखो क्या बनेगा, 1 × 0 फाइनल आंसर 0। वापिस बता रहा हूँ, और मतलब प्लस, ट्रू बोलोगे सच बोलोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, फॉल्स बोलोगे तो 0 पॉइंट, और एंड मतलब होता है, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं,
फाइव इज ए प्राइम नंबर एंड सेवन डिवाइड्स 94. कनेक्टिव कहाँ है? वेयर इज द कनेक्टिव? यहां पर. तो देखो क्या बनेगा, पी फाइव इज ए प्राइम नंबर एंड क्यू सेवन डिवाइड्स 94. तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, P एंड Q, क्योंकि एंड का सिंबल है. चलो 5 इज ए प्राइम नंबर, यस ट्रू, एंड 7 डिवाइड्स 94, देखते हैं. 7 वन जो 7, 7 थ्री जर 21, फॉल्स, करेक्ट. टू रिमाइंडर रह गया ना, तो ट्रू मतलब 1.1 इंटू 0, क्या मिलेगा आंसर इसका, फॉल्स. दिस इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रू है. यहां तक तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज तक किए हैं, बस अभी उसका सच्चाई और झूठ देखकर उसका फाइनल आंसर निकाल टेबल के हिसाब से. ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन थोड़ा अलग है. इट इज नॉट ट्रू that 5 minus 3i is a real number. Okay, तो हम क्या देख रहे हैं, it is not true that 5 minus 3i is a real number. यहां पे कोई कनेक्टिव नहीं है, दो स्टेटमेंट्स को अलग अलग नहीं तोड़ा हुआ है, ठीक है. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है, दैट इज 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर. तो उसको एक ही सिंबल देंगे, 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर. तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, देखो ये वर्ड मिला ना मुझे यहां पर, नॉट. नॉट का सिंबल क्या होता है, नेगेशन, पी, राइट. सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, नेगेशन, 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर, फॉल्स. क्यों फॉल्स, बिकॉज इट इज ए, इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न्ड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a प्लस bi के फॉर्म में है. तो नेगेशन ऑफ f आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू. क्लियर, सो फाइनल आंसर इज. आई होप जितना सम सम लोग करेंगे ऐसे ऐसे देखो सब समझ में आएगा. आगे देखो फिफ्थ वन, इफ 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 8, देन 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, राइट. तो ये बनेगा इफ और देन, कनेक्टिव बन गया. तो ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा स्टेटमेंट. तो देखो क्या बनेगा, P 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 8, Q 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15. इफ और देन कनेक्टिव है, याद है ना, एंड और बट इफ देन, ये वाला सिंबल के साथ लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, इफ एंड ओनली इफ, ये वाले सिंबल के साथ ये सब कनेक्टिव्स बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने पहली वीडियोस में वो सब समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है. तो इफ और देन बैठ गया, राइट. तो इसका सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पी इंप्लाइज क्यू, बराबर. अब इसका ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 8, फॉल्स. 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, फॉल्स. इसके टेबल में क्या फॉर्मूला था, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू.
तो इसका फाइनल आंसर ट्रू। जरा टेबल देखो, चार टेबल बनाया था मैंने, एंड का, और का, इंप्लीकेशन का और बाई कंडीशनल का। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, मिल्क इज व्हाइट, इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो यहां पर कनेक्टिव क्या दिख रहा था? इफ एंड ओनली इफ, तो मैं पी को मार्क करता हूं, मिल्क इज व्हाइट। क्यू को मार्क करता हूं, स्काई इज ब्लू। तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पी इंप्लाइज क्यू, बराबर। तो चेक करते हैं, मिल्क इज व्हाइट सच है, स्काई इज ब्लू ये भी करेक्ट है, डबल की जोड़ी आंसर क्या देगा? ट्रू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। टेबल चेक करो, दो दो की जोड़ी का आंसर ट्रू है, ट्रू ट्रू का ट्रू है, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट वन सेवन, 24 इज ए कंपोजिट नंबर और 17 इज ए प्राइम नंबर। तो देखो, पी 24 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहां पर कनेक्टिव क्या है? सीधा सीधा तुम्हें दिखेगा और, राइट। नाउ क्यू 17 इज ए प्राइम नंबर, तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है? पी और क्यू ट्रूथ वैल्यू, 24 इज ए कंपोजिट नंबर ट्रू, 17 इज ए प्राइम नंबर ट्रू, ये भी सच है। तो फाइनल आंसर 1+1 फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप किस तरीके से स्टेटमेंट से ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है वो तुम्हें समझ गया होगा। ठीक है, ओके। वापस नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले फिर से मैं फॉर्मूलाज तुम लोगों को रिवाइज कराता हूं। फॉर्मूलाज पी क्यू, पी एंड क्यू, 2:1 का रेशियो, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, क्या बनेगा? एंड मतलब इनटू, ट्रू बोलने पर एक, फॉल्स बोलने पर जीरो, 1:1 1, 1 into 0, 0, 0 into 1, 0, 0 into 0, 0, correct? अब मैं construct करूंगा P और Q, P और Q construct करते हैं, और में क्या बदलेगा? और में बदलेगा, ये बन जाएगा plus, और मतलब होता है addition, 1+1, 1+0, 0+1, 0+0, करेक्ट। पी और क्यू समझा। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड हमारा था इंप्लीकेशन, करेक्ट। इंप्लीकेशन का ट्रू के पीछे फॉल्स आए तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू,
क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट फॉर्मूला है बाई कंडीशनल। इसका क्या था, दो की जोड़ी के लिए ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स। दो की जोड़ी के लिए ट्रू क्योंकि डबल बाई कंडीशनल है, बाकी सारे फॉल्स। तो ये चार फॉर्मूलेस हमें नेक्स्ट पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाले, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है। लिखो, इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। इफ पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, हमें डिटरमाइन करना है ट्रूथ वैल्यू किसी स्टेटमेंट्स का। मतलब अभी से हर क्वेश्चन में पी और क्यू क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, आर एंड एस क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पी और क्यू एंड आर। तो चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, समझा, रिप्लेस कर रहा हूं बस। तो दिस इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ट्रू और 1 × 0 = 0, राइट, इजी टेक्निक। नेक्स्ट 1 + 0 = 1, फाइनल आंसर ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड, पी इंप्लाइज क्यू और आर इंप्लाइज एस, ट्रू इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, करेक्ट। तो हम इसको देखते हैं, इंप्लीकेशन, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, करेक्ट, नहीं, बाकी सारे ट्रू, तो मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, 1 + 1 ट्रू, फाइनल आंसर, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूलाज यूज करना है और कुछ नहीं। थर्ड, क्यू एंड आर और नेगेशन पी एंड एस। तो देखो क्या बनेगा, क्यू ट्रू एंड फॉल्स और नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स, समझा, जिसका जो है नेगेशन का नेगेशन ही रखा मैं। ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, 1 × 0 = 0, ठीक है, सॉरी ये 0 है, 1 × 0 फॉल्स, और ध्यान से देखो नेगेशन ऑफ ट्रू घूम जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, तो दिस विल बिकम फॉल्स और 0 × 0 = 0। नेक्स्ट 0 + 0 = 0, फाइनल आंसर, क्लियर। आई होप समझ में आ रहा है सबको, पी और क्यू के जगह पे ट्रू, आर और एस के जगह पे फॉल्स, और बाकी सब एंड मतलब इनटू और मतलब प्लस,
इम्प्लीकेशन मतलब ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, और डबल इम्प्लीकेशन मतलब जोड़ी में ट्रू, याद रहे, और नेगेशन मतलब उल्टा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग ट्राई करोगे, ट्राई करो खुद से। P implies Q and negation R. फोर्थ क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। फिफ्थ वन मैं करता हूं, ध्यान दो। नेगेशन R by conditional P implies negation Q, ये बनेगा क्या? चलो इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। नेगेशन R मतलब फॉल्स, by conditional ट्रू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ट्रू, करेक्ट। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स बनेगा ट्रू बाई कंडीशनल ट्रू, इम्प्लीकेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन, ट्रू का डबल जोड़ी बाई कंडीशनल मतलब बनेगा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, इम्प्लीकेशन में ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा बड़ा है। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, और क्यू एंड आर, और P एंड R, ओके। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। नेगेशन ट्रू एंड नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स, और समझ रहे हो ना, P और Q मतलब ट्रू है, R और S मतलब फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स, सब ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स, एंड नेगेशन ट्रू मतलब बनेगा फॉल्स एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स ऐसे ही रहने दो, और ट्रू एंड फॉल्स ये भी ऐसे ही रहने दिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फॉल्स एंड 0 × 0 जीरो, और 1 × 0 जीरो, और 1 × 0 जीरो, 0 × 0 जीरो, प्लस 0 × 0 + 0 जीरो, 0 + 0 फाइनल आंसर फॉल्स। सही है, थोड़ा लंबा था लेकिन इजी था, बस सब्स्टिट्यूट करो और सम तुम्हें खुलता जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके नेक्स्ट सेवेंथ वन। नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर, और क्यू इंप्लाइज पी एंड नेगेशन एस और आर। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी ट्रू एंड नेगेशन फॉल्स, और समझ रहे हो ना फॉल्स क्यों बिठा रहा हूं, क्योंकि पी और क्यू ट्रू है, आर फॉल्स है,
क्यू, ट्रू एंड इंप्लीकेशन, ट्रू इंप्लीकेशन, नेगेशन फॉल्स और फॉल्स क्लोज. नेक्स्ट फॉल्स एंड ट्रू समझा. नेगेशन ट्रू को मैंने क्या लिखा, फॉल्स, एंड ट्रू का ट्रू हुआ एंड नेगेशन फॉल्स का ट्रू हुआ. और ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू के पीछे ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू के पीछे फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है, इंप्लाइज. नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू और फॉल्स. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है. जीरो इंटू वन मतलब जीरो, फॉल्स और ट्रू, और ट्रू इंप्लाइज जीरो प्लस वन मतलब ट्रू. नेक्स्ट जीरो इंटू वन, फॉल्स मतलब जीरो एंड मतलब इंटू वन मतलब फॉल्स, और ट्रू तो जीरो प्लस वन दैट इज फाइनल आंसर ट्रू. क्लियर? थोड़ा लेंथी है लेकिन हो सकता है सॉल्व. चलो आगे बढ़ते हैं. एट वन, नेगेशन, नेगेशन पी एंड आर इंप्लाइज, और एस नेगेशन क्यू बाई कंडीशनल पी एंड आर. शुरू करें. देखो नेगेशन, नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज नेगेशन ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू एंड फॉल्स. सो नेगेशन फॉल्स, ये नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स बाय कंडीशनल ट्रू एंड फॉल्स, वन इंटू जीरो फॉल्स. नेक्स्ट नेगेशन फॉल्स जीरो इंटू जीरो, जीरो फॉल्स, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स, नहीं सिंगल कंडीशन इंप्लीकेशन, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो बस मतलब ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स. नेक्स्ट नेगेशन जीरो प्लस वन मतलब बनेगा वन ट्रू बाय कंडीशनल एफ मतलब नेगेशन एफ, और सॉरी ये बन गया एफ नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स. फाइनल आंसर डबल की जोड़ी. ठीक है, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए नहीं तो नहीं होगा. देखो एंड और का काफी सिंपल है. एंड का कर लो मल्टीप्लाई, और का कर लो प्लस. इंप्लीकेशन में ट्रू के पीछे फॉल्स डालोगे तो फॉल्स, और बाय कंडीशनल में डबल की जोड़ी. ठीक है आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर फाइव इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फाइव. राइट
नेगेशन ऑफ फॉलोइंग. बहुत सिंपल है, सिर्फ नेगेशन लिखना है. तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. इंग्लिश जैसा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. ओके. सेकेंड, थ्री इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो. ध्यान से देखोगे तो इस स्टेटमेंट में पहले से ही नॉट बैठा हुआ, तो नॉट का नॉट मतलब पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव. तो 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो. ये सब एक एक मार्क के लिए एमसीक्यूज में आते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, रूट टू इज ए रैशनल नंबर. अब तुम खुद से भी लिख सकते हो, रूट टू इज नॉट ए रैशनल. क्लियर. फिफ्थ, सेवन प्लस थ्री ग्रेटर देन फाइव. इसका देखो कैसे लिखते हैं. सेवन प्लस थ्री, ये ग्रेटर देन है, साइन उल्टा करो. ठीक है, लेस देन इक्वल टू फाइव. ग्रेटर देन रहा तो लेस देन इक्वल टू, ऐसा रहा. ग्रेटर देन रहा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, लेस देन रहा तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, और एक इक्वल टू रहा तो कन्वर्ट हो जाएगा नॉट इक्वल टू. ये तीन साइंस का काम याद रखो. लेस देन रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन रहा तो लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू रहा तो नॉट इक्वल टू. क्लियर. और खुद से फोर्थ वन लिखोगे, पॉलीगॉन एबीसीडी इज पेंटागन. तुम्हें पता है क्या ऐड करना है, फिलेट और तुम्हें नॉट का पार्ट पता चल गया. इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया. क्लियर. आई होप सबको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आया. नेक्स्ट में मैं 1.2 के साथ सामने आऊंगा, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस और ट्रूथ वैल्यू के सम्स करेंगे और काफी सारे टॉपिक्स और फॉर्मूलेस भी जानेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय.